फाइनली फ्रेंड अपने पहले और दूसरे हिस्टोरिकल वीकेंड के बाद सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और इस फिल्म के तीसरे वीकेंड के कलेक्शन आते ही इस फिल्म ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि बाहुबली और पठान के सभी बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और इसी के साथ ये भी कन्फर्म हो चुका है कि सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 इंडियन सिनेमा 6 करोड़ की फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बनने वाली है और दुनिया भर में ये फिल्म रिकॉर्ड के झंडे गाड़ रही है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म गदर 2 के 18 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि ये फिल्म आज कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्शन हिस्ट्री ड्रामा और एक्शन से सजी हुई फिल्म है गदर 2, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आए हैं। फ्रेंड मात्र 90 से 100 करोड़ के बजट से बनने वाली इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अनिल शर्मा ने और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 3800 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। अक्षय कुमार की OMG 2 से इस फिल्म का क्लैश हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहाँ अपने पहले दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग ली ही थी, साथ ही साथ 3 ही दिनों में ये फिल्म बॉलीवुड की इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वीकेंड ग्रोथर फिल्म बन चुकी थी। अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फ्रेंड बताते चले आपको कि लगभग 3 घंटे की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अपने एडवांस से ही काफ़ी दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा था। बाद में ऑन स्पॉट बुकिंग इस फिल्म की शानदार रही। सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म के शो मिलना मुश्किल हो चुके थे। यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग ली और ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले धमाकेदार रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने पहले 3 दिनों में 135 करोड़ रुपए कमाए और अपने पहले ही हफ्ते में 284 करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक कमाई कर चुकी है। फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म अपने पहले ही हफ्ते में बन चुकी थी। अक्षय कुमार, सलमान, शाहरुख, आमिर, अजय सभी 90s के सुपरस्टार को इस फिल्म ने सिर्फ अपने 7 दिनों में ही पीछे कर दिया था। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के सेकेंड वीक की तो फ्रेंड किसी ने सोचा नहीं था कि इस फिल्म को अपने सेकेंड वीक भी ऑडियंस की तरफ से धमाकेदार रिस्पॉन्स मिलेगा। इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते भी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स पाया और यही वजह है कि इस फिल्म के अपने दूसरे वीकेंड के जो कलेक्शन थे वो 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रहे और अपने वीकेंड पर इस फिल्म ने 133 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया। 14 दिनों में फिल्म टोटल 419 करोड़ रुपए तो कमा ही चुकी थी लेकिन ये फिल्म 400 करोड़ रुपए मात्र 12 ही दिनों में कमा चुकी थी, जो कि एक तरह से बॉलीवुड इतिहास की एक सबसे फास्ट 400 करोड़ी फिल्म बनने वाली हो गई। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे वीकेंड के कलेक्शन की तो फ्रेंड बताते चले आपको कि अपने पहले और दूसरे हिस्टोरिकल वीकेंड की तरह ही ये फिल्म अपने तीसरे वीकेंड में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट करती हुई नजर आई है और इस फिल्म ने जहां अपने 15वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की तो वहीं अपने 16वें दिन यानी कि इस फिल्म के जो परसों के कलेक्शन थे वो हिस्टोरिकल रहे और इस फिल्म ने बाहुबली 2, पठान, दंगल, PK सभी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अपने 16वें दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म के 16वें दिन के कलेक्शन 13 करोड़ 75 लाख रुपए के रहे लेकिन अपने 17वें दिन इस फिल्म ने यानी कि कल हिस्ट्री क्रिएट कर दी और कल के इस फिल्म के कलेक्शन के साथ ही ये फिल्म बॉलीवुड के 100 सालों के इतिहास में पहली ऐसी फिल्म बनी है जिसने कि मात्र 17 ही दिनों में 450 करोड़ के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स आसानी से पार कर दिया है। और इसी के साथ इस फिल्म ने पठान के 18 दिन और बाहुबली 2 के 20 दिनों के रिकॉर्ड को बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। 17 दिनों में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 457 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है जिससे कि ये फिल्म 1800 करोड़ के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही है। फ्रेंड बताते चले आपको कि अपने तीसरे वीकेंड में इस फिल्म के सामने ड्रीम गर्ल 2, टॉबी और भी कई सारी बड़ी फिल्में चल रही हैं लेकिन गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 38 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करके एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने 18वें दिन के कलेक्शन की तो फ्रेंड बताते चले आपको कि आज भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कितनी भी फिल्में इस फिल्म के सामने रिलीज कर लो, चाहे इस फिल्म को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन सुपरस्टार सनी देओल की ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है
और आज इस फिल्म की अपने 18वें दिन की जो एडवांस बुकिंग है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। मॉर्निंग से ही ये फिल्म आज भी 15 से 18% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हो चुकी है, जबकि आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म की आज शाम की जो ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने 18वें दिन भी जहाँ एक बार फिर से लगभग 4.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के आंकड़े को टच करती हुई नज़र आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 563 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर। फ्रेंड, ये फिल्म 612 करोड़ के आंकड़े को आज टच कर चुकी होगी और इसी के साथ ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी ग्रोसर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अपने 25 दिनों में ही बनने वाली है, क्योंकि इस वीकेंड में ही अब रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है, साथ ही साथ जन्माष्टमी की भी छुट्टियां मिलने वाली हैं। ऐसे में फैमिली फ्रेंड्स अपने परिवार के साथ इस फिल्म को सिनेमा घरों में दिखाने ले जाएंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे फास्ट और 500 करोड़ी और सबसे फास्ट 600 करोड़ी फिल्म बनने वाली है। वैसे फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने से रोक पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट